गुमारवीं नगर परिषद के विभिन्न वार्डो में बारिश से काफी तबाही हुई है। नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश चोपड़ा को अधिकारियों ने नुकसान का जायजा लिया गया तथा लोगों को भरोसा दिलवाया है कि भविष्य में हर संभव मदद की जाएगी, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की भी कोशिश की जाएगी। घुमारवीं नगर परिषद के विभिन्न भाड़ों में बारिश से काफी तबाही हुई है। नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश चोपड़ा व अधिकारियों ने बेशक हुए नुकसान का जायजा लिया है तथा लोगों को भरोसा दिलाया है कि भविष्य में हर संभव मदद की जाएगी तथा जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई की भी कोशिश की जाएगी। रविवार सुबह किस्मे हुई बारिश से फिर काफी तबाही हुई है। शहर के मीट मार्केट के साथ बह रहे नाले ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया और पानी सड़क पर बहने लगा तथा कुछ दुकानों में जा घुसा है, जिसे दुकानदारों का भी नुकसान हुआ है और साथ में सत्संग भवन को जाने वाली सड़क भी काफी धस गई है और काफी हिस्सा गिर भी गया है। नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश चोपड़ा ने बताया कि नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में काफी नुकसान हुआ है, जिसका अनुमानित नुकसान लगभग 1.5 करोड़ का आंका गया है। नगर परिषद क्षेत्र में भारी बरसात की वजह से वार्ड नंबर 1 बड्डू में जो राजस्वामी शासक भवन है उसमें लगभग कोई 50 और 70 मीटर के बीच में जो एक सुरक्षा दीवार लगी थी वो भारी बारिश की वजह से गिर गई है, जिससे वो राजस्वामी शासक भवन का जो रास्ता है वो अवरुद्ध हो गया है। और इसके अलावा वार्ड नंबर 3 में हरजन बस्ती के लोगों के मकान के पीछे की दीवार भी गिर गई है। इसके अलावा नगर परिषद के हर वार्ड में, वार्ड नंबर 4 के जो हमारा नगर परिषद क्षेत्र का लेखराम ड्राइवर के घर से लेकर के और नगर परिषद की बाउंड्री तक का जो रास्ता है वो भी सारा रास्ता टूट चुका है भारी बरसात की वजह से। और पट्टा में जो हमारा शहीद विजयपाल मार्ग है वो सारी सड़क उखड़ गई है भारी बरसात की वजह से। और एक पट्टा में ही रमेश के घर से एक सड़क हमारी रास्ता जाता था सोमनाथ के घर की तरफ को, सोमनाथ शर्मा जी के घर की तरफ को, वो रास्ता भी सारा टूट चुका है। उसके अलावा अवढाणी घाट में जो DAV स्कूल को रास्ता गया पीपल वृक्ष से, वो सारी सड़क जो है वो टूट चुकी है और सारा रास्ता जो है जर्जर हो चुका है। इसके अलावा बजावा में भी कल भारी बारिश की वजह से जो मीट मार्केट है उसमें कुछ दुकानदारों के घर में पानी भी घुसा है, जिससे दुकानदारों का काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें नाला चैलेशन की जरूरत है। उसके अलावा वार्ड नंबर 5 बजावा में एक कुलभूषण का मकान है और साथ में एक जाक मोहम्मद का मकान है, उसके बीच में एक नाला चैलेशन की जरूरत है, वो भी लोगों के घर को कभी भी कोई भी नुकसान पहुंच सकता है, उसमें भी धन की आवश्यकता है ताकि वहां सुरक्षा दीवार लगे। और जो SIBT का जो मकान है, जो इंस्टीट्यूट है, उसमें भी पानी कल काफ़ी जो है वो भारी बरसात की वजह से उनके ऑफिस में पानी घुसा, जिससे उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि लगभग नगर परिषद क्षेत्र में 1.5 करोड़ रुपये का नुकसान जो है वो विभिन्न वार्डों में हुआ है। मेरा ये विधायक महोदय के ध्यान में भी हमने लाया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हमारा ये आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि हमें जल्द से जल्द जो है वो आर्थिक सहायता हमें दी जाए ताकि हम इन जो रुके काम है और जो नुकसान लोगों का है उसकी भरपाई हम कर सकें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।